फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से है और ये कॉन्सेप्ट है कि जी मैचिंग कॉन्सेप्ट किस चीज को मैच करता है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मैच करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस को सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर थर्टीन से है पार्टनरशिप अकाउंट से और इसको हम रीड करते हैं एन इन अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द करंट अकाउंट वन ऑफ द पार्टनर्स एज फॉलो तो ये करंट अकाउंट बना हुआ है जी एक इसमें जो बातें हमें बताएंगे वो ये है कि बैलेंस ब्रॉड डाउन इज एंटेड करेक्टली एंड द अमाउंट ऑफ अदर एंट्रीज आर करेक्ट हाउ वर द अकाउंटेंट इज नॉट शोर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट वट शुड बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ बैलेंस कैरीड डाउन तो अगर इसमें हम देखें तो बैलेंस ब्रॉड डाउन तो उन्होंने बता दिया कि करेक्ट है ड्राइंग्स जो हैं वो करंट अकाउंट को रिड्यूस करती हैं डेबिट साइड पर आती हैं तो ये इनकरेक्ट है शेयर ऑफ रेजिडल प्रॉफिट करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देगा क्रेडिट ही होगा तो इट इज करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उससे भी करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि जब एक पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका बैलेंस इनक्रीज होगा तो ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ ये गलत है और जब कुछ फिगर्स गलत हैं तो जाहरी बात है जो डाउन बैलेंस आ रहा है वो भी गलत आ रहा है तो हम जब इन करेक्ट चीज़ों को चेंज करेंगे तो हमारे पास करेक्ट बैलेंस आ जाएगा तो लेट्स इलस्ट्रेट द प्रॉपर करंट अकाउंट सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेक्ट साइड पर ले आए हैं और ड्राइंग्स को भी करेक्ट साइड पर ले आए हैं ऑटोमेटिकली फिर जो बैलेंस डाउन कैलकुलेट हुआ है That is correct. Option C would be our answer. फिर जी हमारे पास एक क्वेश्चन है अबाउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग एर विल क्रिएट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट तो सस्पेंस अकाउंट में तब बैलेंस क्रिएट होता है जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना रहें. तो फिर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्रिएट होता है तो वन बाय वन जरा देख लेते हैं जी हम रिपेयर एक्सपेंस वॉज कंसिडर्ड एज परचेज ऑफ एस अब जो रिपेयर एक्सपेंस है ये भी डेबिट होता है और परचेज ऑफ एसेट भी डेबिट होता है तो एक डेबिट के बजाय दूसरा डेबिट रिकॉर्ड हो गया तो टोटल डेबिट और क्रेडिट में फर्क नहीं आएगा तो इससे सस्पेंस अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा सेकंड है परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड एट परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी डेबिट होती है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट भी डेबिट होता है वंस अगेन इससे बैलेंस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा थर्ड है इन ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वास टोटली ओमिटेड अच्छा टोटली totally ओमिटेड का मतलब ये है कि डेबिट साइड भी ओमिट हो गई और क्रेडिट साइड भी ओमिट हो गई जब दोनों साइड से एंट्री ओमिट हो गई तो डेबिट और क्रेडिट आर स्टिल इक्वल दोनों गलत हैं दोनों कम हैं लेकिन स्टिल इक्वल हैं तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हो लास्ट वन है पेटी कैश एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ फाइव हंड्रेड वर ओनली क्रेडिटेड सो ओनली क्रेडिटेड एंड नॉट डेबिटेड इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी और जो डेबिट uh, साइड है उस पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इससे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा so D तो ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ऑफ टू का पर्पज अक्सर बड़ा गलत लिया जा रहा होता है कि जी ये एसेट की वैल्यू की कमी का नाम है या जो एसेट ओवर द पीरियड अपनी वैल्यू लूज कर रहा है उसका नाम है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके पर्पज को डिफाइन करती है कि आ, द डेप्रिसिएशन इज़ एलोकेशन ऑफ डेप्रिशल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ तो डेप्रिसिएशन जो कहलाती है वो सिस्टमैटिक बेसिस पर चार्ज uh, की जाती है जैसे स्ट्रेट लाइन एक सिस्टमेटिक uh, बेसिस है ये रिड्यूसिंग बैलेंस एक सिस्टमैटिक बेसिस है तो टू एलोकेट द डेप्रिशियेबल कॉस्ट ऑन अ अस्टमेटिक बेसिस ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ दिस इज करेक्ट और इसके पीछे जो लॉजिक है कि क्यों हम इस तरह एलोकेट करते हैं द लॉजिक इज मैचिंग कॉन्सेप्ट ताकि जितने पीरियड में एसेट से इनकम जनरेट हो रही है उतने पीरियड में उसका एक्सपेंस एलोकेट किया जा सके राइट द एसेट डाउन टू इट्स रियलाइजेबल वैल्यू तो ये मकसद नहीं होता है इसके अंदर देट रियलाइजेबल वैल्यू पर इन्वेंट्री को राइट डाउन किया जाता है फॉर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बट डेप्रिसिएशन का ये मकसद नहीं है इक्यूमलेट अ फंड फॉर एसेट रिप्लेसमेंट ये भी पर्पज़ नहीं है पूरा भी नहीं होता क्योंकि वक्त के साथ एसेट की वैल्यू बढ़ भी रही होती है रिकेगनाइज दैट एसेट लूज वैल्यू ओवर टाइम येस एसेट मे लूज़ वैल्यू ओवर टाइम बट उसको चेक करने के लिए इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट है इन ऑर्डर टू अप्लाई द मैचिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शांड ट्रेडर्स द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एंड देयर फॉर रिटर्न टू एस टी विच डॉक्यूमेंट शुड टू एस टी अब देखें जब आपने गुड्स खरीदी तो आपने परचेज रिकॉर्ड की होगी जब आप गुड्स वापस करेंगे तो आप परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और जो एस टी जो आपकी पार्टी है वो डेबिट हो जाएगी जब आप किसी पार्टी को डेबिट करते हैं तो आप डेबिट नोट इशू करते हैं और जब आप किसी पार्टी को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं अगर परचेज होती तो फिर हम कहते हैं इन्वाइस है लेकिन ये परचेज रिटर्न की एंट्री है और हमने पार्टी को डेबिट किया है तो हम उस पार्टी को डेबिट नोट इशू करेंगे तो डेबिट नोट इशू करने का मतलब होता है कि हमने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया क्वेश्चन है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये तो यूएसए का स्टैंडर्ड बोर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये

अपॉन परचेज तो आपने परचेज़ किया हालांकि उसकी लाइफ फाइव ईयर है लेकिन आपने उसको एक्सपेंस चार्ज कर दिया तो ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जिसमें जो चीज़ें अपनी साइज़ और नेचर की वजह से इम्पॉर्टेंट होती हैं तो उनको हम सेपरेटली uh, करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेशन होती है स्टैंडर्ड की और जो इमटीरियल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन ना भी करें तो इट डजेंट मैटर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिसीजन मेकिंग पे सो so, ये मटेरियल टी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे थे डेबिट ऑलवेज मीन्स यस डेबिट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट करेक्ट राइट साइड ऑफ एन अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता डेबिट ऑलवेज मीन्स इंक्रीज ये भी ज़रूरी नहीं है uh, जब लाइबिलिटी uh, डिक्रीज होती है तब भी डेबिट होती है तो डिक्रीज भी डेबिट हो सकता है और डेबिट ऑलवेज मीन इंक्रीज इन एसेट नो डेबिट में बी डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट में भी इंक्रीज इन एक्सपेंसिज एज वेल तो ये भी ऑलवेज वाल की वजह से ये बात भी गलत होगी वैसे इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है लेकिन इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज इट मीन्स डेबिट वाली बात नहीं एसेट्स एक्सपायर तो प्रीपेड रेंट का रेंट जो है वो टाइम की बेस पर होता है यानी आप कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी या नहीं कर रहे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपका रेंट ड्यू होता जाएगा तो रेंट के लिए तो हम कहेंगे जी विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा जो ऑफिस सप्लाईज हैं ऑफिस सप्लाई से मुराद होती है जैसे आपके पास पेपर रीम्स हैं जैसे आपके पास ऑफिस में यूज होने वाली दूसरी चीजें जैसे स्टेपलर की पेन होती हैं या पेन होते हैं या इंक होती है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उससे ख़त्म होती हैं ये टाइम की बेस पे ख़त्म नहीं होती हैं अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी जैसे अगर आप हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ में पेपर रिम्स पड़े हुए और हम बहुत ज़्यादा प्रिंट निकाल रहे हैं तो हमारी ऑफिस सप्लाइज का एसेट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर हम प्रिंट्स नहीं ले रहे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में तो उस दौरान ये एसेट ख़त्म नहीं होगा तो ये थ्रू यूज़ एंड कंजम्पन जो है वो ख़त्म होता है तो so, दोनों ऑप्शन जहां पर आकर ठीक हो रहे हैं वो ऑप्शन ए है एन अन रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ रिसीवर इज लाइकली टू बी अच्छा जो बात आगे हो रही है वो हो रही है पेयर की यानी जिसने पे किया तो अन un रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो जो हमारे लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो दूसरी पार्टी के लिए एक्सपेंस पेड इन एडवांस है जिसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ़ द होगा ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन एसे दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ आई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो टेंजिबल एसेट तो है आई एस सिक्सटीन अप्लाई होता है एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जैसे आपकी प्लांट मशीनरी होता है उसके ऊपर भी आई सिक्सटीन अप्लाई होता है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये एसेट तो है लेकिन इस पर आई एस टू इन्वेंट्रीज अप्लाई होता है तो ये हमारा आंसर होगा बाद एक्सपेक्ट एसेट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड ये भी आइसक्रीम के अंदर फॉल करते हैं तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट दैट्स ऑल शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो